हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चैप्टर द थर्ड लेवल के जो बचे हुए शॉर्ट आंसर्स बचे हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर्ड टू द थर्ड लेवल। चार्ली ने क्या पाया जब वह थर्ड लेवल पर पहुंचा तब। व्हेन चार्ली एंटर्ड द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचा, ही फाउंड दैट, तो उसने पाया, देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वहाँ पर गैस लाइट जल रही थी। देयर वर ब्रास स्पिटन्स, ठीक है, थूकदान बने हुए थे पीतल के ऑन द फ्लोर पर। एंड ही सा दैट, और उसने देखा कि एवरीवन एट द स्टेशन, के स्टेशन पर हर व्यक्ति वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, वो 1890 के तरीके के कपड़े पहने हुआ था। ये चीज शो करा रही थी कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट, चार्ली ने ये निश्चित करने के लिए क्या किया दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर है। टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए, वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर है। वेंट टू अ न्यूज़पेपर बॉय, वह न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, और उसके पैरों पर जो चट्टा लगा पड़ा था न्यूज़पेपर का, उसकी तरफ उसने नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, और यह न्यूज़पेपर कौन सा था, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये वर्ल्ड वो न्यूज़पेपर है जो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। द मैन स्टोरी वॉज समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट फॉर ईयर्स, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं उनके बारे में न्यूज छपी हुई थी मैन स्टोरी की, तो ये चीज क्लियर करा रही थी कि वो थर्ड लेवल पर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गेल्सबर्ग एलिनोज इज गिवन इन द टेस्ट। तो व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में क्या सूचना मिली थी एलिनोज के बारे में, गेल्सबर्ग एलिनोज के बारे में। गेल्सबर्ग एलिनोज इज अ वंडरफुल टाउन, गेल्सबर्ग एलिनोज एक वंडरफुल टाउन है, स्टिल विद बिग ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्रेम हाउस, यहाँ पर फ्रॉम गलत लिखा है, इसको फ्रेम कर लेंगे FREME, स्टिल विद ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज। क्या क्या चीज़ है वहाँ पर, वंडरफुल टाउन है, वहाँ पर बड़े बड़े फ्रेम वाले घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन बने हुए हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, विशालकाय पेड़ हैं, हूज ब्रांचेस मीट ओवर हेड रूफ, जिसकी ब्रांचेस इतनी ऊंची हैं कि वो छत तक जाती हैं। इन द स्ट्रीट और गलियों में, इन 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, समर इवनिंग इतनी लंबी होती थी एज, मतलब वो दोहरी मालूम पड़ती थी, एक लंबी शाम होती थी। एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन्स, और लोग कहाँ बैठते थे, अपने लॉन्स में बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, और लोग वहाँ पर सिगार पी रहे होते थे एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बात कर रहे होते थे। तो इस बात से क्लियर हो जाता है जो सीन है वो बहुत ही पुराने टाइम का सीन है, तो ये चीज़ उसे क्लियर करा रही थी कि ये क्या है, थर्ड लेवल पर ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी गिल्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडो। क्या हुआ था चार्ली के साथ टिकट विंडो पर। चार्ली टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडो, चार्ली जो है टिकट विंडो की तरफ मुड़ा। एंड वॉन्टेड टू टिकट्स, और वो दो टिकट चाहता था फॉर गिल्सबर्ग, गिल्सबर्ग के चार्ली पेट करंट नोट, चार्ली ने जो वर्तमान में नोट चल रहे थे वो दिए, विच वॉज डिफरेंट, जो एकदम अलग थे। द क्लर्क बिकेम एंग्री, क्लर्क नाराज हो गया। चार्ली टर्नड अवे, चार्ली एकदम से मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और तुरंत बहुत तेजी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कॉरिडोर मिला, वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, चार्ली को कॉरिडोर नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का अगेन दोबारा। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो कहाँ जाता था, जो है थर्ड लेवल की ओर जाता है। ही टर्न मच, वह मुड़ा वहाँ पर, काफ़ी प्रयास किया उसने, बट ही बीकेम अनसक्सेसफुल, लेकिन वह असफल रहा। ही वेंट बैक टू हिज स्टाम्प्स, वह दोबारा से वहीं स्टाम्प पर चला गया वापस। बट नाउ एवरी वीकेंड, लेकिन प्रत्येक सप्ताह, ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, लुक, वो देखा करते थे थर्ड लेवल को। बिकॉज दे थिंक दैट, क्योंकि वो सोचते हैं, दे हैव प्रूफ, कि उनके पास प्रूफ है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, के थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है,
थर्ड लेवल अभी वहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच गाइज, और इसके लास्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।